दोस्तों, आखिर आधी रात को बेबिका ने यहाँ पर एल्विस यादव को अपने पास क्यों बुलाया, और अपने पास बुलाकर आखिर ऐसी कौन सी बात फुकरा इंसान के बारे में बोल दी। ये सुनने के बाद यहाँ पर फुकरा इंसान के बारे में सुनने के बाद यहाँ पर एल्विस यादव भी हैरान हो गए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर एल्विस यादव को बेबिका ने आधी रात को अपने पास अपने बेड पर बुलाया और काफ़ी देर तक वहाँ पर बातें ये दोनों करते रहे। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि बात करते करते बेबिका ने एल्विस यादव को ये कहा कि मैं फुकरा के बारे में तुझे कुछ कहना चाहती हूँ, उसके बारे में एक बात बोलना चाहती हूँ, उसकी सच्चाई और उसके राज खोलना चाहती हूँ। जिसके बाद यहाँ पर जब फुकरा इंसान के राज और फुकरा इंसान की सच्चाई एल्विस यादव को बेबिका ने बताई तो उसे सुनकर वो हैरान हो गया। लेकिन आगे से एल्विस यादव ने एक ऐसी बात बेबिका को फुकरा इंसान के बारे में बोल दी जिसके बारे में शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, जिसकी शायद कभी आपने सब जिसकी आप सबने कभी उम्मीद भी नहीं की होगी। जी हाँ दोस्तों, आखिर एल्विस यादव ने फुकरा इंसान के जी हाँ दोस्तों आखिर बेबिका ने एल्विस यादव को अपने पास बुलाकर फुकरा इंसान के बारे में ऐसी कौन सी बात बोल दी। इसी से जुड़ी आज हम आप सबके लिए एक ऐसी बड़ी खबर लेकर आ गए हैं, एक ऐसी लेटेस्ट अपडेट लेकर आ गए हैं। ये सुनने के बाद शायद आप सब भी हैरान हो जाएंगे और आप सब इस बात पर विश्वास भी नहीं करेंगे आखिर क्या है पूरी खबर। चलिए आपको बताते हैं इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 से जुड़ी हुई हर लेटेस्ट और बड़ी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि बिग बॉस के घर में इस वक्त जितने भी कंटेस्टेंट हैं उन सभी कंटेस्टेंट में से बेबिका इकलौती ऐसी कंटेस्टेंट है जो बिग बॉस के घर में हमेशा दूसरे कंटेस्टेंट के साथ बिना मतलब के ही लड़ाई करती रहती है। जानबूझ कर वो लोगों से यहाँ पर पंगे भी लेती है और जिसकी वजह से बिग बॉस को काफ़ी ज़्यादा कंटेंट भी मिल रहा है। लेकिन आपको बता दें कि इसी बीच अब आपको लेकिन तो वहीं दूसरी तरफ बेबिका के बारे में आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर बेबिका फुकरा इंसान को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं और इसीलिए आधी रात को फुकरा इंसान के बारे में एल्विस यादव से बेबिका ने ये कहा कि एल्विस ये इस घर में सबसे घटिया इंसान है, इसकी गंदी नज़रें हैं और हमेशा ये मुझे गंदी नज़रों से देखता रहता है। इतना नहीं, एल्विस यादव से फुकरा इंसान के बारे में बेबिका ने यह भी बताया कि जब भी हम लड़ाई करते रहते हैं तो जानबूझ कर ये मुझे टच करने की कोशिश करता है और इसकी नीयत पूरी तरह से ख़राब है और इस वजह से मैं बेहद इस पर गुस्सा भी हूँ। इतना नहीं, आपको बता दें कि एल्विस यादव से फुकरा इंसान के बारे में ऐसी गंदी गंदी बातें यहाँ पर बेबिका ने बताई कि उसे सुनकर एल्विस यादव को भी झटका लग गया। लेकिन आपको बता दें कि आगे से एल्विस यादव ने जैसे ही ये सुना तो उसी वक्त एल्विस यादव ने बेबिका को ये कहा कि बेबिका इस घर में जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं उनके बारे में तू चाहे जो भी कुछ बोल ले, लेकिन फुकरा इंसान के बारे में मत बोल क्योंकि वो मेरा भाई है और मैं जानता हूँ कि वो बाहर कैसा है और अंदर कैसा है। मुझे इस बात का पता है कि उससे अच्छा इंसान कोई भी नहीं है और उसके बारे में एक शब्द भी सुनना नहीं चाहता। फिलहाल इस खबर में इतना ही। वेल दोस्तों, आपको क्या कहना है इसके बारे में हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और ओटीटी सीजन 2 से जुड़ी हर बड़ी खबर के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।